न्यूज 18 इंडिया नू के उस जगह पर पहुंच चुका है जहां सबसे पहले हिंसा की शुरुआत हुई। हमारी मौजूदगी नलहर टेंपल के पास है जहां सबसे पहले हिंसा भड़की। आगे आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिस सड़क पर हम मौजूद हैं, दूर तक ये सड़क आपको काली ही नजर आएगी क्योंकि करीब 3 से 4 हजार लोग जो हैं वो यहां पर उस वक्त मौजूद थे। गाड़ियों का काफिला था, आपको बता दें कि यहीं से ही वो शोभा यात्रा शुरू होनी थी और उसके बाद यहीं पर ही यहां हिंसा भड़की, यहां जो कहा जा रहा है वो हमला हुआ। फिलहाल यहां पर आपको जो जली हुई गाड़ियां थी वो तो हटा दी गई हैं, लेकिन यहां पर आपको अभी भी जो गाड़ी के जले हुए पार्ट्स हैं वो आपको जमीन पर नजर आएंगे। ये आप तस्वीरें देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी जो सड़क है वो काली है और जलकर किस तरह से ये जो पार्ट्स हैं आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह पिघल चुके हैं। लोहे की चीजें यहां पर आपको नजर आएंगी, अभी भी वो पार्ट्स नजर आ रहे हैं। यहां से कुछ ही दूरी पर यहां से नलहड़ मंदिर है जहां से वो शोभा यात्रा शुरू होनी थी जो कि यहां पर इस जगह अटैक किया गया। आरोप लग रहे हैं कि यहीं पास से हमला लगातार हो रहा था और यहीं पर आगजनी हुई। देखिए ये मैं लगातार पार्ट्स दिखा रहा हूँ, जो गाड़ियों के पार्ट्स हैं वो यहाँ पर अभी भी पड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अटैक हुआ। लेकिन फिलहाल जो ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर न्यूज में हम घूम रहे हैं वहाँ स्थिति अभी नियंत्रण में नजर आ रही है, कोई नई घटना नहीं हुई है। फिलहाल धारा 144 इस पूरे इलाके में लगा दी गई है, पुलिस पूरी तरह से व्यवस्था कायम करने की कोशिश कर रही है, जगह जगह पुलिस मौजूद है। यहाँ भी जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ पर भी पुलिस की गाड़ियाँ हमें निकलती हुई नजर आई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो न सिर्फ नूह में बल्कि फरीदाबाद, पलवल, रिवाड़ी, गुरुग्राम, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पर धारा 144 लगाई गई है और नूह का असर ये हुआ है कि सोहना तक ये जो पूरा रूट है वहाँ सोहना तक भी हिंसा पहुँची, वहाँ पर भी कुछ आगजनी की घटनाएं वहाँ पर हुई हैं। आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले में लगातार पुलिस सख्त एक्शन लेने की कोशिश कर रही है क्योंकि मुख्यमंत्री खट्टर की तरफ से भी कहा गया है कि जो भी बलवाई हैं जिन्होंने किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा।